सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें और हमारे शो पर होती हैं कुछ अजीबो गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें हैं जरा निर्मल, पहली खबर तो सुनाइए। मंशियात का डीलर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। हॉलैंड के शहरी को घर की छत पर भंग की काश्त करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। भंग भी अजीब ही नशा है, उगांदा कोई है, कोटदा कोई है, पी कोई जांदे ते छितर किसे होर नु पैंदे होंदे। बाबा कदी भंग पीती है? नहीं। ते शक्लों क्यों नशाई लगदा है? ए जमंदरू इस तरह है। ये नशाई इसलिए लग रहे हैं कि अभी इन्होंने पी नहीं है, गमलों में लगाई है। और बाबे वर्गे सस्ते नशाई भंग घोट के नहीं पींदे, पत्ते सोंग के टन हो जाते हैं। पता लिस्बत को भी एक दफा किसी ने भंग वाले पकोड़े खिला दिए थे, फिर पता सारा गाना इसने उल्टा कर दिया। कैसे? नशे दे विच तुत नशे नैना वाले हिम्मत बर प्याले किंद प्या प्या प्यार मीनु कर ले। आगे चलेंगे। दुनिया का हसीन तरीन कुत्ता दिल टूटने से चल बसा, उसका साथी एक साल कबल उसे छोड़ गया था। शहजादा साहब नु कुत्तिया नाल इन्ना इश्क आ, ए उन्हें ते फिल्म बनान दे आ। कौन सी फिल्म बना रहे? हमसाया मुल्क ने बनाई सी ना दीवानापन, ये बनान दे आ कुत्तापन। हाँ टीजर मैंने भी देखा है उसका, जिसमें अकेले ही फ्रेम में इनोके कहते हैं वाओ। इस फिल्म की पब्लिसिटी मैंने भी पढ़ी है। अच्छा। पोस्टर पर इन्होंने इतने कुत्तों की तस्वीरें लगाई थी कि मुझे डर था कि अगर करीब से पढ़ूंगा तो मुझे कहीं 14 टीके ना लगवाने पड़ जाएं। बिल्कुल सही कह रहे ने, ए आए मेरे नाले मेरी गड्डी दे विच, ए जान के उन बस दी छत पे बह के इंसान। और कौन सी खबर है? आयरलैंड की 38 साल खातून दुनिया की कम उम्र तरीन और खूबसूरत नानी करार। 38 साल की उम्र चो नानी बन गई। आ बाबा 80 साल दा हाले तक प्यो नहीं बने। एक दिन मैनू कह रहे ने फिर रे आ मेरे बच्चे नहीं होए, मेरे बच्चे नहीं। और मैं कहा बाबा जी शादी करोगे तो बच्चे होंगे। मैं कल बच्चियां वास्ते नहीं सी कर रहा तुहाडे नाल, मैं कह रहा सी कि शायद तुसी मेरे वास्ते रिश्ता लभो। ये तुसी बिल्कुल बजा के आए, असी तुहाडा रिश्ता लभ रहे हैं। वो औरत 38 साल की उम्र में नानी बन गई और अब 300 साल में सांप नहीं बनेगा। तो चाहूंगा कि 38 साल की उम्र से तुम नाना बन जाएं। व्हाई नॉट? ते अपनी बच्चियां जल्दी ब्याह दे। हां मैं भी वेला फिर रही हूं। तेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ रहती है। सुकून की जिंदगी सिर्फ कब्र में होती है। वजीर आजम इमरान खान के बयान पर सोशल मीडिया सार्फीन के दिलचस्प तबसरे। वैसे इमरान खान साहब कहीं दे सच दे, इस मुल्क जिस तरह गरीब की जिंदगी हो गई है ना, ये मौत ही बेहतर है। कब्र च ना टैक्स होएगा, हाय ना बिजली दे बिल देने पैने हैं, ना बच्चों के स्कूल की फीसें देनी पड़नी है, ना जबरदस्ती को टैक्स देना पड़ना है, ना वहाँ नैब इंक्वायरी कर सकता है, ना वहाँ कोई झूठा केस डाल सकता है। अब बताएं ये जिंदगी बेहतर है या के कब्र की जिंदगी बेहतर है? कब्र की, कब्र की, कब्र की, कब्र की। कब्र में जाने का एक जरूर फायदा है कि वहाँ पे 250 रुपए किलो टमाटर नहीं खरीदने पड़ेंगे। एक और फायदा भी है, वहाँ लिस्बत के गाने नहीं सुनने पड़ेंगे। नाली पंजवी कब्र जो होएगी। हाँ मैं वहाँ गाती रहूंगी, मैंने कौन सा वहाँ चुप हो जाना है। नेक्स्ट न्यूज। तीन खुफिया शादियां करने वाला चीनी शख्स बीवियों को करीब करीब अपार्टमेंट दिलाने की वजह से जेल जा पहुंचा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मैं भी तीन शादियां करना चाहता हूँ। ये आपकी आखिरी ख्वाहिश है? नहीं पहली। मामा शादियां ना कर, अपने कद दा कुछ कर। अगला बिस्त होना चाहता हूँ दे इदी लही आंजा। तेने शादियां ना करी हो, तेनु शटल कॉक बना रहा है ते चिड़ी छिकर तेनु खिड़ा ठम ठम ठम, उत्तो ही तेनु किसे चील ने ले जाना। वैसे इस इंसान की क्या जिंदगी होगी, एक सास की फरमाइशें पूरी करता होगा तो दूसरी आ जाती होगी और आके कहती होंगी तके ना पके ना, सुबह ना जमील कार नहीं बढ़िया, आटा खत्म हो ही गया। ओए सचा ओए बंग कपतिया ने, जो मर्जी है करी किनो ना, मुतमेन होनिया ही नहीं। अब माड़ी साथ तको ना, रोज निकी ताने मारनी, जिसला मैं सवेरे सवेरे उठना, अंगड़ाई के ना ते पहला ताना मिकी मारनी, ना मुँह ते ना नासा, मैं भी ब्याह करा सा। बातन साहब कैसा लगा आपको हमारे प्रोग्राम में आज?
पहले तो देखते थे खुश होते थे और आज खुशी इस बात की है कि हम आपके मेहमान हैं और आप सब लोग बहुत माशाल्लाह नसीम विक्की साहब से बड़े अरसे बाद मुलाकात, जवाहर साहब, गोशी साहब, निर्मल, आप और ये सारे म्यूजिशियन भाई, माशाल्लाह आप हमारे पाकिस्तान के सचमुच में बहुत बड़े एक्टर हैं। बिल्कुल पास काम है और आपको अल्लाह ताला बहुत तरक्कियां दे, जिस तरह का आप सोच रही हैं उस तरह का रिश्ता दे। सबसे पहले तो मुझे, जैसे इन्होंने कहा कि हम टीवी पे ही देखते थे और काफ़ी इन्जॉय करते थे, लेकिन आकर पता चला है कि यहाँ पर काफ़ी मतलब हसमुख लोग हैं, काफ़ी गंदे लोग हैं, काफ़ी प्यारे लोग हैं, बड़े लोग हैं। अब्बा जी यहाँ पर हैं, मुझे यहाँ पर अब्बा जी मिले हैं, दादा जी मिले हैं, तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। बेटा भी मिल गया जी, बेटा दादी भी जाकर सलाम की, बेटा भी मिल गया और उम्मीद है कि आपके मैसेज के बाद रिश्ता भी मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, बहुत अच्छा लगा। बेटा एक मैसेज ही था बेटा शहजादा अब्दुल गफार साहब, मेरे निक्के जिया भाई, निक्की जी खुशी मिली है या फिर इस शो पर आके बड़ी खुशी मिल गई है? बहुत ज्यादा जी, मेरे पास जो पंड थी खुशियों की, उस पंड से खुशियाँ बाहर आने शुरू हो गई हैं। जवाद साहब हमारे माशाल्लाह बुजुर्गों में से, हमारे मोहतरम है माशाल्लाह, इनके साथ मैंने हज भी किया हुआ है, उस्तादों के उस्ताद नसीम विक्की साहब, इनसे मैंने बहुत सीखा है। लाइट से ये फ्लैपर भी है, नहीं लाइट से ये आपको नहीं पता।